बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। पेगासस जासूसी मामले में विपक्ष के हंगामे व कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन तो आज की बड़ी खबरों में शुमार है ही, लेकिन देश के दो मीडिया संस्थानों पर एकाएक की गई आयकर विभाग की छापेमारी भी बड़ी खबर है। आयकर विभाग की छापेमारी के जद में जो संस्थान आए हैं उनमें हिंदी अखबार दैनिक भास्कर व टीवी चैनल भारत समाचार शामिल है। आयकर विभाग ने भास्कर के नोएडा, जयपुर व अहमदाबाद कार्यालय पर छापेमारी की, जबकि भारत समाचार के प्रधान संपादक ब्रजेश मिश्रा व चैनल के यूपी प्रभारी वीरेंद्र के घरों पर भी छापेमारी की गई है। दैनिक भास्कर स्टाफ ने इस छापेमारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर स्टैंड विद दैनिक भास्कर शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी दोनों संस्थानों पर हुई छापेमारी के पीछे की वजह सरकार विरोधी लगातार खबरें प्रकाशित व प्रसारित करना बताया जा रहा है। वहीं आयकर विभाग का कहना है कि आयकर चोरी की सूचना पर ही ये छापेमारी की गई है। इस छापेमारी के खिलाफ विपक्ष ने राज्यसभा में जमकर हंगामा किया और फिर ट्विटर पर मोदी सरकार पर निशाना भी साधा। वहीं मोदी सरकार ने कहा है कि विभाग अपना काम कर रहा है, उनका इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। आइए नजर डालते हैं बाकी बड़ी खबरों पर। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है कि जब सरकार कलम और कैमरे से डर जाए तो ऐसी सरकार का पतन निश्चित है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि पत्रकारिता पर मोदी शाह का प्रहार, मोदी शाह का एकमात्र हथियार IT, ED, CBI, मुझे विश्वास है अग्रवाल बंधु डरेंगे नहीं। पत्रकार रवीश कुमार ने ट्वीट किया है कि जनता को गुमराह और बेखबर रखना है, गोदी मीडिया से जो भी अलग होगा छापा पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के लिए एक राहत भरी खबर, यूपी को 9 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को सिद्धार्थनगर जिले में 9 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद नए मेडिकल कॉलेजों में काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही यूपी में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 48 हो जाएगी। CM योगी आदित्यनाथ की योजना यूपी के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज तैयार करने की है। राज्य में 75 जिले हैं। जिन जिलों में नए 9 मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं वे देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर शामिल हैं। अश्लील वीडियो मामले में मुंबई की क्राइम ब्रांच टीम ने राज कुंद्रा के खिलाफ जांच तेज कर दी है। इस बीच केस में फरार आरोपी का दावा है कि राज ने गिरफ्तारी से बचने के लिए क्राइम ब्रांच के अफसरों को 25 लाख रुपए रिश्वत दी थी। यह आरोप अरविंद श्रीवास्तव उर्फ यश ठाकुर ने लगाए हैं। अरविंद का नाम इस रैकेट के सरगना के तौर पर मार्च के महीने में सामने आया था। खबरों की माने तो मार्च में ही अरविंद ने ACB को मेल पर आरोप लगाया था कि इस केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए राज कुंद्रा ने क्राइम ब्रांच के अफसरों को 25 लाख रुपए घूस दी थी। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस मामले पर कोई सफाई नहीं दी है। इस बीच राज के घर से पुलिस ने 70 वीडियोस बरामद किए हैं। ये सभी उमेश कामत ने कई प्रोडक्शन हाउस की मदद से बनाए थे। राज को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया है, वह 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में है। मुंबई पुलिस ने बिल्डर से 15 करोड़ रुपए मांगने के सिलसिले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह व 5 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। बिल्डर की शिकायत के आधार पर दक्षिणी मुंबई के मैरिन ड्राइव पुलिस थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। बिल्डर के दो साझेदारों सुनील जैन और संजय पूर्णिमा को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। यूपी की योगी सरकार ने दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके से रोहिंग्या के अवैध कब्जे से 150 करोड़ रुपए की जमीन खाली कराई है। सुबह 4 बजे से एक्शन लेते हुए सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध रूप से रोहिंग्या कैंपों को हटाया गया और अवैध कब्जे तोड़े गए। इस तरह उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की 2.10 हेक्टेयर जमीन मुक्त कराई गई। आज के इन बड़ी खबरों में इतना ही, बराबर रहेगी हमारी ऐसी ही खबरों पर नजर। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.TV। नमस्कार।